फिर 6 महीने में, फिर 1 वर्ष में, और अब 2 वर्ष के अंतराल में पुनः हम सब अपने इस रिपोर्ट कार्ड के साथ आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं इस कार्यक्रम में आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं, विगत 2 वर्ष के दौरान आप सबका जो सकारात्मक सहयोग हमारी टीम को प्राप्त हुआ और समय समय पर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों की ओर हम सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए जो एक सकारात्मक पहल मीडिया के माध्यम से हुई है, मैं उस सकारात्मक पहल का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। जब हमारी सरकार अपने 2 वर्ष के कार्यकाल को संपन्न कर रही है, मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, जिनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन हम सबको उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन की है। मैं आभारी हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी का, जिनके मार्गदर्शन में लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों के साथ साथ प्रदेश के विकास सरकार और संगठन के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करने में हम लोग सफल रहे हैं, और मैं अपनी पूरी टीम की ओर से प्रदेश की 23 करोड़ जनता का भी आभार व्यक्त करता हूं और अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने प्रदेश में एक सकारात्मक माहौल बनाने के लिए किसी भी प्रकार के उस संकीर्ण बंधन से ऊपर उठ करके, परिवार, जाति, मत और मजहब के बंधन से ऊपर उठ करके प्रदेश के समग्र विकास के लिए अपना योगदान दिया, और जिसका परिणाम आज हम प्रदेश को देश के उन राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करने में सफल हुए हैं, जहां पर उत्तर प्रदेश की जब चर्चा होती थी आज से 2 वर्ष पहले, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने आजादी के बाद सर्वाधिक समय तक प्रदेश में शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश को बदले में बीमारू राज्य की एक उपाधि उत्तर प्रदेश को दी, एक ऐसा राज्य जहां पर अत्यंत गरीबी हो, जहां पर लोग बुनियादी सुविधाओं से त्रस्त हो, जहां पर नौजवान पलायन कर रहा हो, जहां किसानों का कोई पुरसा हाल न हो, जहां पर एक बड़ी आबादी अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए न केवल तक रही हो, अभी तो नौजवान पलायन करके अपनी ऊर्जा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को न दे पा रहे। बीमारू राज्य से प्रदेश उभरे, इसकी एक तमन्ना स्वाभाविक रूप से हर प्रदेश के वासियों में जैसे होनी चाहिए वैसे उत्तर प्रदेश के वासियों के अंदर भी थी, लेकिन दुर्भाग्य है इस प्रदेश में 1990 के बाद से लेकर के समाजवादी पार्टी को 4 बार, बहुजन समाजवादी पार्टी को 3 बार प्रदेश की सत्ता को संचालित करने का अवसर प्राप्त हुआ, और ये 7 बार के सपा बसपा के शासनकाल में प्रदेश की जो स्थिति थी, हम सब जानते हैं कि प्रदेश के अंदर व्यापक अराजकता का एक नया दौर प्रारंभ हुआ, हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, दंगे, ये प्रदेश की पहचान बन गए, प्रदेश के संसाधनों में लूट, खनन माफिया, भू माफिया, वन माफिया,
ये सत्ता का संरक्षण पाकर के प्रदेश के संसाधनों में जिस प्रकार के लूट मचाए थे, घोटालों का एक लंबा दौर, चाहे वह खाद्यान्न घोटाला हो, चाहे वह स्मारक घोटाला हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर खनन का घोटाला हो, भर्ती घोटाला हो, यानी एक लंबा सिलसिला प्रदेश के अंदर घोटालों का इन सरकारों ने प्रदेश को दे करके प्रदेश के नौजवान के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, प्रदेश के किसान के सामने आत्महत्या करने के लिए उस प्रकार की परिस्थितियां पैदा की। प्रदेश के इन सभी अराजकतापूर्ण माहौल में, चुनौतीपूर्ण माहौल में 19 मार्च 2017 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारी टीम को प्रदेश का दायित्व, भारतीय जनता पार्टी को मिले प्रचंड बहुमत के बाद बनी सरकार में हम सबको यह अवसर दिया कि